आज चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी की कियादत में सुरन कोर्ट में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में बेघर लोगों की रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गई। इस मौके पर सारे काउंसिलर भी रहे मौजूद। पीएनआई के लिए सुरन कोर्ट से आकाश मलिक और खालिद कुरैशी की रिपोर्ट। जिस मीटिंग से हमारी सारे कौंसिलर हज़रात बुलाए गए हैं यहाँ पर, एक्चुअली डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ ने डायरेक्ट किया हमें वहाँ से कि जितने भी प्रेसिडेंट साहिबान हैं वो अपने अपने ऑफिस में अपने ऑनरेबल कौंसलर्स को बुला के अपने अपने रिस्पेक्टिव वार्ड से पीएमएवाई स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, हम जो मकानात जो है जिनके जो इनके पास घर नहीं हैं अपने, उसको सरकार घर बनाकर दे रही है, तो उसके लिए वो लिस्ट फाइनल करके जो है हमने उसको वो लिस्ट मरतब करनी है, आज दे देनी है ताकि तमाम लोगों को घर मिल जाए, कोई घर के बगैर ना रहे। देखिए, हमने इस वक्त तक जो 184 मकानों की सेंक्शन जो है वो हमारे पास आ चुकी है, जिन पर काम चल रहा है, और जिसमें से 25 मकान जो हैं वो बिल्कुल तैमीर हो चुके हैं और उनका बाज़ाबता हमने रिकॉर्ड में ले लिया है, उनको हैंडओवर भी कर दिया है। बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स हमने उसके साथ में उनका जो है वो जितनी उसको अनक्षर अनलिस्ट करने हैं वो बता दिया है एज़ पर गाइडलाइन, तो पेपर हमारे पास जो है आ रहे हैं, तो उस पर जो है वो बाज़ाबता काम हो रहा है और आज लिस्ट मरतब करके हम इंशाल्लाह सबमिट कर देंगे। सारे कौंसलर हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव वार्ड से, वो अपनी लिस्ट दे देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इस टेन्योर में इंशाल्लाह ताला हमारे कौंसलर साहिबान जिस कदर मेहनत कर रहे हैं, अपने रिस्पेक्टिव वार्ड में काम कर रहे हैं, तो टोन में हमारे जो है कोई भी आदमी जो है वो बेघर नहीं रहेगा। सरकार की ये स्कीम पूरी तरह इम्प्लीमेंट होगी, उस पर हाल में रखी है। ये इसके अंतर्गत है कि कोई भी आदमी जो है वो मकान के बगैर नहीं रहेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने यह कहा है कि हर किसी का अपना घर होना चाहिए, उसके तहत हमने ये सारे कौंसलों को आज आगाह किया है कि कोई भी अपने वार्ड में मकान के बगैर ना रहे। 100% हमने कवरेज देनी है ताकि हर आदमी को इसका लाभ मिल सके, उसके लिए हम पूरी तरह एग्री हैं। हमने उनका प्रपोजल लेके आगे भेज दिया है और उस पर काम जारी है, वो काम करें, उनको उसके पैसे जो हैं वो जल्द से जल्द मिल जाएंगे। मीटिंग है 13 कौंसल आज़ाद और मोहतरम प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी सुरन कोर्ट और ईओ साहब और बाकी अमला जितना भी है, इन्होंने ये तलब की थी इसलिए कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई शख्स जो है अब घर के बिना ना रहे, तो उनका ये प्रोग्राम है कि मेरे ये 5 साल जो हैं मैं किसी को घर के बिना नहीं रहने दूंगा। तो बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी समझ है। हमारा अर्बन जो डेवलपमेंट ये महकमा है, इसमें हमारा टोन जो है नया नया टोन यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, तो यहाँ कई लोग हैं। हमारा जो मकान 3 मरले में बनता है खाली, फ़कत कोई उसमें लंबी चौड़ी ज़मीन भी नहीं चाहिए। मैं क्योंकि कौंसलर हूँ वार्ड नंबर 12 का, मैंने तमाम अपने लोगों को कह दिया है कि अगर एक शख्स के 3 बच्चे हैं, एक मकान है, और अगर आप वो डबल छत पर दूसरे बच्चों के लिए बनाना चाहें, तो मैंने प्रेसिडेंट साहब और ईओ साहब से भी गुजारिश की कि भाई उसके लिए भी आप प्रोविज़न रखें ताकि वो अपने बच्चों को एडजस्ट कर सके। हम वज़ीर आज़म साहब का बिलखसूस और रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नहायत मशकूर हैं कि उन्होंने ये जो स्कीम है पूरे मुल्क में और बिलखसूस हम, मैं अपने टोन के बारे में कहूँगा, सुनकोट म्यूनसिपलिटी के लिए हमारे लिए बेहतर है और हमारे वार्डों के लिए भी बेहतर साबित।